हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे निधि, क्या हुआ, तुम क्यों भाग रही हो? मैं तो कैंडी खरीदने आई हूँ। नहीं बाबा, अगर तुम कैंडी खाओगी तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। ठीक है दादाजी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, चलो गोला खाते हैं। नहीं निधि, नहीं गोला भी नहीं। याद है पापा ने क्या कहा था? अगर तुम गोला खाओगी तो तुम्हें सर्दी हो सकती है। हर चीज में मुझे ही रोक तो क्यों, मैं एंजॉय नहीं कर सकती क्या? अच्छा बाबा ठीक है, अभी तुम अपना मूड खराब मत करो, मैं ना तुम्हें एक अच्छी सी डॉल खरीद के देता हूँ, ठीक है? डॉल? भैया कौन सी डॉल लूं? बताओ ना भैया, चुप क्यों हो भैया? कौन सी डॉल लूं भैया? भैया मम्मी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो देख, वो रही मम्मी। मम्मी सॉरी आंटी, हमें लगा कि आप हमारी मम्मी हो, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो लगता है वो हमारी मम्मी नहीं, वो कोई और थी। वो हमारी मम्मी ही थी, तुमने अपनी आंखों से देखा है, मम्मी यही कही है। मम्मी चलो, क्या हुआ बेटा? डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा मैंने अभी अभी मम्मी को देखा। मानव क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ पापा, मानव सच बोल रहा है, मैंने भी देखा। कहाँ पे? उस तरफ। हेलो सीआरडी, खूनी का निशाना काफी अच्छा है, इतने भीड़ के बीच में भी गोली सीधे माथे पे मारी है। हाँ सर, इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद और किसी को गोली नहीं लगी। फिर एक काम करो, आसपास जाके पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? सर मैं हूँ। इधर आओ। गोली किसने मारी? पता नहीं सर, यहाँ भगदड़ मच गई थी तो देख नहीं पाए। कोई गन लेके मॉल के अंदर आ गया है? इतनी लापरवाही, कैसी ड्यूटी कर रहे थे आप? गलती होगी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ गई सर। नौकरी तो आपकी जाएगी जाएगी, ये बताओ कि मन्नू यहाँ पे मॉल में करता क्या था? कुछ खास नहीं सर, जैसे सब करते थे वही काम वो करता था। सर यानी ऐसा भी नहीं था कि मन्नू किसी गहने की दुकान को या कोई महंगी चीजों को गार्ड करता था। अच्छा ये बताओ कि मनु से किसी का कोई झगड़ा था या कोई दुश्मनी? नहीं सर, वो तो बहुत शांत किस्म का आदमी था, उसे किसी ने क्यों गोली मारी होगी? सर ये मिस्टर प्रेम है, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ मिस्टर प्रेम, क्या बताना चाहते हैं? सर मेरे बच्चे मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और मैं एटीएम से पैसे निकालने गया था, इतने में शूट आउट हुआ और शूट आउट से पहले मेरे बच्चों ने उनकी मम्मी को देखा। तो बात दरअसल ये है सर के मेरी पत्नी निमिषा 6 साल पहले मर चुकी है।
साल पहले, ये कैसे हो सकता है? आपको पूरा यकीन है कि आपके बच्चों ने अपनी माँ को ही देखा था? हाँ अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी मम्मी को ही देखा था। हाँ अंकल, मैंने भी देखा था यहाँ पे। हाँ बच्चों, अगर आपने देखा है तो अपनी मम्मी को ही देखा होगा। और एक सच और भी है सर, कि मेरी वाइफ की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है सर, एक मरी हुई औरत फिर से जिंदा कैसे हो सकती है? कुछ तो राज है फ्रेडी। इस मॉल में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का खून हो जाता है, और इसी मॉल में एक आदमी की पत्नी जो 6 साल पहले मर चुकी थी उसे देखा जाता है, वो भी जिंदा। अब ये दो बातें एक साथ एक ही जगह पे इस मॉल में। सर ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। और सीआईडी इत्तेफाक में विश्वास नहीं रखती। हाँ सचिन, एक काम करो, इस मॉल में जितने कैमरास हैं उन सबके फुटेज ले लो, और हाँ आस पास जितने भी सुराग मिलते हैं सब उठा लो। फुटेज से पता चल जाएगा कि ये बच्चे जो कह रहे हैं अपनी माँ के बारे में वो सच है या नहीं, और ये भी पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड पे गोली किसने चलाई। सर हाँ, क्राइम सीन पे जो दो गोलियां मिली थी उसकी रिपोर्ट आ गई है सर। एक गोली .45 कैलिबर की और दूसरी .35 कैलिबर की। मतलब दो हमला हुआ सर? हाँ हो सकता है। और अभिजीत, उस मनु के बारे में क्या पता चला, वो सिक्योरिटी गार्ड? सर वो तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं उसका। तो फिर सर खूनी ने सिर्फ गार्ड पर ही गोली क्यों चलाई? सर ये देखिए, स्क्रीन के राइट साइड पर मानव और निधि खड़े। ये मानव निधि को इशारा कर रहा है। तो जिस तरफ ये इशारा कर रहा है ना मानव, उस तरफ का जरा फुटेज दिखा। पूर्वी एक मिनट पॉज करो, फिर से रिवाइंड करना। जैसे ही गोली चली औरत ने डक किया और गोली सीधे सिक्योरिटी गार्ड को लग गई। हाँ अभिजीत, लगता है गोली चलाने वाला उस औरत को मारना चाहता था, लेकिन झुक गई और बाल बाल बच गई। कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसे प्रेम जी अपनी पत्नी बताते हैं? हो सकता है, देखते हैं। पंकज प्रेम जी और उसके दोनों बच्चों को लेकर आओ, उनसे ही पूछते हैं क्या ये वही औरत है क्या। आइए। हेलो, हाय। कैसे हो बेटा? अच्छा प्रेम जी, और आप दोनों भी हैं? देखो इस फोटो को गौर से, क्या ये औरत तुम्हारी माँ है निमिषा? सर इनका चेहरा थोड़ा सा ठीक से क्लियर नहीं। ठीक है पूर्वी, जरा जूम करना उस औरत पर। हाँ सर यही निमिष है। सर ये इनकी पत्नी की कोई हमशक्ल भी तो हो सकती है? नहीं सर, मेरे बच्चों का भी मानना है कि ये इनकी माँ ही है। प्रेम जी एक बात बताइए, आपने ही तो बताया था कि निमिषा के एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर उसके सारे क्रियाकर्म भी आपने किए, तो अब निमिषा जिंदा कैसे हो सकती है? मैं भी यही सोच के हैरान हूं सर, डॉक्टर ने तो पोस्टमार्टम भी किया था उसका। प्रेम जी एक बार दिल से नहीं दिमाग से सोच के देखिए, अगर ये औरत निमिषा है तो फिर वो आपसे और अपने बच्चों से इतने साल से दूर क्यों थी? कोई औरत ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं सर निमिषा ने ऐसा क्यों किया। प्रेम जी बुरा मत मानिए, एक बात पूछता हूं, वैसे आप दोनों के बीच में संबंध कैसे थे? मेरा मतलब है क्या निमिषा के साथ आपका कोई झगड़ा वगड़ा था या फिर? बिल्कुल नहीं सर, मैं निमिषा से बहुत प्यार करता था,
हमारा परिवार एक सुखी परिवार था। आप हमारे किसी भी रिश्तेदार से पूछ सकते हैं सर। ठीक है, अब आप जाइए बच्चों को लेकर, और अगर उस औरत के बारे में, मेरा मतलब है निमिषा के बारे में, और कुछ पता चला तो आपको हम बता देंगे। ठीक है सर। थैंक यू। अभिजीत, उस मॉल में जाके वापस पता लगाना पड़ेगा कि गोली चलने के बाद उस औरत का क्या हुआ, क्या हुआ उस औरत का, और फिर उस डॉक्टर से भी पूछताछ करनी पड़ेगी जिसने उस औरत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया। डॉक्टर दिग्मांशु कहाँ मिलेंगे? वहां पे। थैंक यू। जी कहिए। दिग्मांशु, हम लोग सीआईडी से, और आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। बॉडी को ऑटोप्सी रूम में ले जाओ, मैं भी आता हूँ। ओके सर। कहिए, आपको कौन से केस की पूछताछ करनी है? हमें निमिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करनी है। ये है निमिषा की सारी डिटेल। ये रही निमिषा की रिपोर्ट। उसकी मौत सड़क हादसे में हुई थी। एक्सीडेंट की वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह जला हुआ था। तो सर, जब उनके शरीर का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो निमिषा ही थी? तो गलती भी तो हो सकती है। गलती का तो सवाल ही नहीं उठता ऑफिसर। ब्लड रिपोर्ट्स, डीएनए सब कुछ चेक किया था मैंने। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमें लगता है कि निमिषा मरी नहीं बल्कि जिंदा है। आपके पास कारण जो भी हो ऑफिसर, लेकिन मेरे 10 साल के करियर में मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। डॉक्टर साहब, आप हमें निमिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दीजिए। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो औरत इस मॉल के वेस्ट विंग की तरफ गई थी। किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। आसपास दुकान वाले से पूछो, वेस्ट विंग में काफी सारे शॉप्स हैं। यहाँ पे दो फायर एग्जिट्स हैं जिसे हमें चेक करना होगा, और हाँ, इस कॉरिडोर के एंड में एक वॉशरूम है, उसे भी देखते हैं। अरे भाई साहब, ये इस औरत को यहाँ देखा क्या? नहीं देखा। इस लड़की को देखा? नहीं सर। श्योर? थैंक यू सर। सर, बाथरूम से निकलने का तो कोई भी खुफिया रास्ता नहीं। सर, मैंने दोनों फायर एग्जिट चेक कर लिए, कुछ भी नहीं मिला। सर, सारी दुकानों में भी पता कर लिया, किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन वो औरत भागी तो इसी तरफ थी। सर, पार्किंग लॉट में देखते हैं, शायद वहां से भागी। सुनो भाई साहब। हाँ सर, बताइए। ये फोटो देखिए, इस औरत को यहाँ से भागते हुए देखा था आज? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। तुम यहाँ अकेले काम करते हो या कोई और भी होता है? नहीं साहब, हम दो जन काम करते हैं। बुलाओ उसे। जी सर। ए मंगू, इधर आना। जी साहब। इस फोटो को ध्यान से देखो, क्या शूट आउट के बाद ये औरत तुम्हें यहाँ से भागती हुई दिखी थी? हाँ साहब, यही औरत थी जो भागी थी साहब। लेकिन जब मैं वहां पे गया ना, तो उधर से गायब हो गई थी। वहां सामने? हाँ साहब। श्रेया फ्रेडी, सर देखो, चेक करो वहां पे। अच्छा, जब वो सर गन मिली। गन? सर, लगता है भागते वक्त उस औरत के हाथ से गिर गई होगी ये गन। वो औरत शायद गाड़ी से भागी होगी। चार गोलियां इसमें। एक काम करो, इस रिवॉल्वर को बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दो। सर। और सुनो, कार पार्किंग के रजिस्टर लेके आओ जल्दी। सर, शूट आउट हुआ था 11:35, ठीक 20 मिनट बाद पार्किंग लॉट से 5 गाड़ियां निकली हैं सर यहाँ से। इन 5 गाड़ियों के ओनर्स का पता करो, खूनी इन 5 में से कोई एक है या फिर वो औरत
जो मिस्टर प्रेम की पत्नी की जैसी दिखती है। मॉल में जो गन मिली थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई सर। ये दो गोलियां जो हमें मॉल में से मिली थी वो इस गन से चली ही नहीं। नहीं सर, मतलब साफ है निमिषा ने मॉल में गोली चलाई ही नहीं। मगर सर गन में से दो गोलियां गायब कैसे होगी? रेडी हो सकता है कि मॉल में आने से पहले उस औरत ने कहीं और दो गोलियां चलाई हो। हाँ हो सकता है, निमिषा को मारेगा कोई क्यों? सर हो सकता है निमिषा का कोई ऑफिस में दुश्मन हो जिसका उसके साथ कभी झगड़ा हुआ हो और शायद इसी वजह से उसने निमिषा का एक्सीडेंट करवा दिया। हाँ सर, एक्सीडेंट में वो बच गई इसीलिए मॉल में हमला करवा दिया उस पे। लेकिन एक मामूली से अकाउंट्स असिस्टेंट निमिषा, उसकी जान के पीछे कोई क्यों पड़ रहा है? सर शूट आउट के बाद मॉल में से जो 5 गाड़ियां निकली थी उनमें से 4 गाड़ियां तो किसी क्रिमिनल की नहीं, मगर सर ये 5वीं गाड़ी इसका मालिक फोन नहीं उठा रहा है। उसका नाम अंकुश है। अंकुश? गाड़ी के मालिक का नाम अंकुश? बस फिर आरटीओ में से पता लगाओ इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में, पता मिल जाएगा इस अंकुश का। पता तो चले ये अंकुश वहां क्या करने गया था मॉल में। सर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अंकुश लगता है कोई ना कोई वजह जरूर है दरवाजा ना खोलने की। देखते इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। घर पर कोई नहीं और सर सामान भी ऐसे ही रखा हुआ है, लगता है काफी टाइम से कोई आया नहीं है। नहीं पंकज, कोई ना कोई तो आके गया है। ये देखो ये चाय, और लगता है वो आदमी इतनी हड़बड़ी में था कि पूरी चाय भी नहीं पी उसने। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं अच्छी तरह से, देखते क्या मिलता है। इसका मतलब इस कबर्ड को किसी ने यहां से हटाया है, शायद इसके पीछे कुछ है। सर ये तो खोखला है अंदर से, एक मिनट जरा निकाल लो। तो ये सब इस बॉक्स को छुपाने के लिए किया गया था। देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। माय गॉड, ये सब क्या है? इतने सारे नोट और ये तरह तरह की गन। जाली पासपोर्ट। सर ऐसा क्या काम करता होगा अंकुश? कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करता होगा जिसका कनेक्शन निमिषा से है, वरना उसे मॉल से भगाने में उसकी मदद नहीं करता हो, और वो भी अपनी कार में। सर ये देखिए नक्शा। ठीक है, इस जगह को नक्शे में मार्क किया गया है। ये जो गार्डन के सामने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये तो मालवीय नगर में है। सर ये देखिए, इस मंदिर के सामने इस बिल्डिंग को भी मार्क किया गया है, पर क्यों? एक बार इस बिल्डिंग के आसपास जाकर चक्कर लगाएंगे ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर ये वो जगह जिसे मैप में मार्क किया गया, मंदिर के सामने। Thank you.
कह रहे आप? सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी मैं इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बहुत दिन से इस बिल्डिंग का काम बंद पड़ा था तो मैं देखने आया था। झूठ! सर लाश मिली, किसी ने गोली मारी है इसे। कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानता सर, मैं तो अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। झूठ मत बोल, तूने ही मारा ना इसे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने खून नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए साहब। यहाँ गन का बॉक्स पड़ा है और गन गायब। ये देखो, ये गन, लगता है ये आदमी स्नाइपर है और अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था यहाँ पे। सर कौन हो सकता है इसका टारगेट? मिस्टर प्रेम ने कहा था कि वो अपने बच्चों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले थे और उसके बाद मॉल में। मतलब सर आपको लगता है कि इस स्नाइपर का टारगेट प्रेम जी और उनके बच्चे थे? हो सकता है पंकज। सर सही फोन मिला है, हो सकता है इसे कहा हो। देखो जरा क्या है सर, इसमें किसी प्राइवेट नंबर से मैसेजेस आए और मैसेज करने वाला पूछता है कि काम हुआ या नहीं। सर मुझे तो लगता है जब इस स्नाइपर का रिप्लाई उस आदमी को नहीं मिला तो उसने फिर से अटैक किया प्रेम जी और उनके बच्चों पर मॉल में। बिल्कुल हो सकता है पंकज, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि यह आदमी है कौन। सर जिस स्नाइपर की लाश हमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से मिली है उसके घर में तो बहुत सारे पासपोर्ट है सर, अलग अलग नामों से। हाँ मगर अब ये ऐसे शार्प शूटर को किसने मारा और फिर क्यों? सर बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चला है कि जिस गोली से उसकी मौत हुई है वो उसी पिस्टल से चली है जो हमें मॉल में मिली थी। क्या निमिषा ने मारा उसको? हो सकता है, मिस्टर प्रेम ने भी बताया था कि वो मॉल जाने से पहले मंदिर गए थे तो हो सकता है ये शार्प शूटर मिस्टर प्रेम या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो लेकिन उसके पहले निमिषा ने उड़ा दिया उसको। लेकिन सर निमिषा को कैसे मालूम था कि उनका परिवार मंदिर जाने वाला है और उन पर हमला होगा? हो ना हो, निमिषा जान गई थी कि उसके परिवार वालों की जान को खतरा है और इसीलिए वो उनके पीछे पीछे छुप छुप कर जा रही थी और ये करते करते वो मॉल तक पहुंच गई जहां पर उसी पे हमला हुआ। सर वो स्नाइपर पेशेवर शार्प शूटर रमेश है। गाड़ी का मालिक अंकुश ही रमेश है। सर ये सारा केस इस निमिषा से ही जुड़ा हुआ है, या तो निमिषा ने पहले इन लोगों के साथ कुछ गलत किया है या फिर ये कोई राज जानती है जिसकी वजह से इस पे हमले हो रहे हैं। सर उस शार्प शूटर के सेलफोन से हमें 4 एड्रेस मिले थे जिसमें से 3 मैंने चेक कर लिए और कुछ खास नहीं मिला, मगर उस चौथे एड्रेस पे कोई फोन नहीं उठा रहा सर। अभिजीत, निमिषा का अपने ही परिवार वालों पर नजर रखना, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रमेश की लाश मिलना और रमेश के सेलफोन पर 4 अलग अलग एड्रेसेस मिलना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। इस निमिषा का उन 4 पतों के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस चौथे एड्रेस का पता लगा। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी। तो आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। कहिए ऑफिसर्स, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
इसका नाम रमेश है, क्या आप इसे पहचानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ इस आदमी को। अरे ये आदमी हमारा केबल ठीक करने के लिए आया था। ओह, तो इसीलिए रमेश के मोबाइल पे इस घर का एड्रेस था। मगर सर वो यहाँ पे आया क्यों होगा? हो सकता है निमिषा से मिलने आया। एक मिनट, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसे पहचानते हैं आप? इसका नाम निमिषा है। हाँ, मगर ये निमिषा नहीं, ये तो आदिति है। नहीं नहीं, आपसे कोई गलती हो रही है, इसका नाम निमिषा है। नहीं मैडम, इसे पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। इसे मैंने अपना घर किराए पर दिया था, ये आदिति ही है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मेरे पास एग्रीमेंट कॉपी भी है। जी भाई, फोटो तो निमिषा की है। निमिषा यहाँ पे नाम बदल कर रह रही थी, अपनी पहचान बदल कर। यहाँ पर इसके साथ कोई और भी रहता था? नहीं मैम, ये यहाँ अकेली रहती थी। मगर हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक बार यहाँ आती थी। कहती थी कि उसका काम ही कुछ ऐसा है, अक्सर उसे बाहर गांव जाना पड़ता है। सर, इसका मतलब वो एक ही समय निमिषा और अदिति दोनों बन के रहती थी। अच्छा ये बताइए कि ये निमिषा, मेरा मतलब है अदिति, इसके हाव भाव में, इसके बर्ताव में कुछ गड़बड़ लगा आपको? कुछ अजीब सा? हाँ सर, ये यहाँ काफी अजीब अजीब लोगों को बुलाया करती थी। अजीब लोग मतलब? जैसे मेरे पड़ोसी अक्सर कहा करते थे कि ये कोई गलत काम करती है, मगर मुझे उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उसे के गैंग के लोगों से बात करते हुए देखा, तब मुझे यकीन हुआ और मैंने उसे फौरन घर खाली करने को कह दिया और पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी। के गैंग, ये के गैंग तो मुन्ना की गैंग है, वो ड्रग पैडलर। सर, के गैंग विदेश से बहुत ही महंगे ड्रग्स मंगवाती है और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये ड्रग सप्लाई करती है। इस गैंग के मेंबर्स को पकड़ने का कोई तो रास्ता होगा? सर, उन्होंने अपने मेंबर्स की गिनती पहले से कम कर दी। यानी छोटे मोटे डीलर्स को हटाकर उन्होंने अपना नेटवर्क ही छोटा कर दिया है। हाँ सर, ये गैंग आज भी उतनी ड्रग्स की हेराफेरी करती है जितनी पहले करती थी, लेकिन सिर्फ उन्हीं डीलर्स के साथ काम करती है जिन पर उनको पूरा भरोसा है। और सर, पिछले एक साल में इनका कोई भी मेंबर या डीलर पकड़ा नहीं गया। सर, के गैंग के खास डीलर के बारे में पता चल गया सर, उसका नाम जसलोक है। जसलोक? सीआईडी वालों को मुझसे क्या काम पड़ी है? के गैंग के बारे में क्या जानते हो? के गैंग के बारे में? मैं के गैंग के बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने हमें सब कुछ बता दिया। तुम के गैंग के लिए ड्रग डील करते थे ना? और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत तुम अंडरवर्ल्ड वालों के खिलाफ एक खास गवाह हो। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर उन लोगों को ये पता चल गया कि मैं मरा नहीं और जिंदा हूँ, और आप लोगों को उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो लोग तो मुझे मार देंगे ना? देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि के गैंग का अड्डा कहाँ है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए साहब, मैं सब कुछ बताऊंगा। के गैंग का अड्डा कालाकाजी नगर में है और वहीं से वो ड्रग्स का पूरा धंधा चलाते हैं। देख तो कौन है। चाहिए तुम लोग को? आदिति। आदिति? मैं किसी आदिति को नहीं जानता। नहीं जानता? सर, आप इसे भी गोली मार दोगे? मेरा यकीन कीजिए सर, मैं किसी आदिति को नहीं जानता। सुरवी,
जरा फोटो दिखाओ इसे। इस लड़की को देखो, निमिषा उर्फ आदित्य, 6 साल पहले तुम लोगों के साथ काम करती थी, है ना? हाँ हाँ सर, ये हमारे यहाँ ड्रग डीलिंग का काम करती थी और 6 महीने में ही ये मेरी सबसे बड़ी ड्रग डीलर बन गई। बहुत जल्दी पहचान लिया। आदिति हमेशा पुलिस और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को चकमा देकर माल पार कर देती थी। पर ये सारी खबर इसे मिलती कहाँ से? सर यही हम भी सोचते थे कि आदिति को हमेशा कैसे पता चल जाता है कि पुलिस कहाँ रेड मारने वाली है और कहाँ नहीं, और फिर हम लोग उस पर नजर रखने लगे और फिर हमें उसका एक राज पता चला। कैसा राज? सर यही कि आदिति कोई अकाउंटेंट नहीं है, वही अंडरकवर एजेंट थी जो हमारे गैंग में घुसकर हमको गिरफ्तार करवाना चाहती। ओ, तो अब सारी बात समझ में आई। सर हम उससे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, हमने उसका प्लान भी कर लिया था, लेकिन एक दिन वो गायब हो गई और बाद में पता चला कि उसका एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन तुम्हें ये कब पता चला कि वो अंडरकवर एजेंट है? सर हमें एक गुमनाम कॉल आया था, उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसने ये भी बताया होगा कि वो किस एजेंसी के लिए काम करती थी। हाँ, वो एवी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करती थी। जी हाँ, मैं ही एवी इंटेलिजेंस एजेंसी का मालिक हूँ। ये फोटो देखिए, ये है निमिषा, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करती थी ना 6 साल पहले। निमिषा? मैं किसी निमिषा को नहीं जानता। फिर तो आप के गैंग के मुन्ना को भी नहीं जानते होंगे। ये वो मुन्ना हमें सब कुछ बता चुका है। सॉरी, निमिषा के बारे में छुपाने के लिए। दरअसल हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक हम अपने किसी भी एजेंट के बारे में हर बात को गुप्त रखते हैं। निमिषा के गैंग से क्यों जुड़ी थी? जी, के गैंग की खुफिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यानी कि स्मगलिंग और ड्रग्स का पर्दाफाश करने के लिए। ड्रग्स और स्मगलिंग तो के गैंग के हाथी के दांत हैं, उनका असली काम तो आतंकवादियों की मदद करना है। हमें जानकारी मिली थी कि के गैंग किसी बड़े आतंकवादी हमले में शामिल होने वाली है, इसीलिए निमिषा को एज ए अंडरकवर ज्वाइन करना पड़ा था। पर निमिषा के किसी साथी ने निमिषा की असलियत के बारे में के गैंग को बता दिया। वैसे कौन हो सकता है? हमारी कंपनी में तो ऐसा कोई नहीं हो सकता। आप चाहें तो सभी के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद पता लगा लेंगे। थैंक यू। निमिषा भी छुपी हुई है, इसके परिवार पर फिर से हमला हो सकता है। हो सकता है पूर्वी, मिस्टर प्रेम को प्रोटेक्शन देनी होगी। नहीं, घर चलते हैं। सर गोली की आवाज? हाँ, लगता है गुंडे अंदर घुस गए। चलो देखते हैं। दरवाजा खोल, बोला ना तुझे दरवाजा खोल। ये दरवाजा खोल वरना आज बचेगा नहीं तू। खोल दरवाजा, आज तू बचेगा नहीं। ए, तो दरवाजा। खोल। जी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, गोली छू के निकल गई। ओके, जल्दी से ब्लड बुलाओ। बोलो कौन हो तुम और किसने भेजा यहाँ पे? बोलो। सर ये तो मर गया, अब क्या करें? देखते तो निमिषा के परिवार की फोटो है। सर ये तो डॉक्टर तिग्मांशु की है, उनका इस केस से क्या लेना है? इसका मतलब निमिषा के परिवार के साथ साथ डॉक्टर तिग्मांशु की भी जान को खतरा है। डॉक्टर साहब,
सर। डॉक्टर तिग्मांशु, हमें आने में देर होगी, लड़की तलाशी लो जल्दी। सर आप रेडी? ये देखिए सर, सफेद पाउडर जैसा कुछ है। सफेद पाउडर? दरवाजा। एक और दरवाजा। सचिन जरा लाइट का स्विच देखो। कहा ये देखिए सर, लेडीज परफ्यूम और ये हेयर ब्रश। हेयर ब्रश पे किसी औरत का बाल भी है सर। अलमारी में औरत के कपड़े सर। सर ये, सर ये डायरी, ये फोटो एल्बम और ये लैपटॉप है सर। तो लैपटॉप चेक करो। निमिषा की डायरी, यानी ये निमिषा इतने सालों से डॉक्टर तिग्मांशु के साथ यहाँ चोरी छुपे रह रही थी। सर मतलब डॉक्टर तिग्मांशु ने छोटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। हाँ। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, ये डॉक्टर तिग्मांशु निमिषा की मदद क्यों कर रहे थे? क्योंकि डॉक्टर तिग्मांशु निमिषा के फैमिली फ्रेंड थे। ये देखिए सर, इसमें अलग अलग जगह की वीडियोस है। ओह, ये देखो ये आदमी, शायद इसी ने निमिषा को पर्दाफाश किया था और इसीलिए निमिषा इस आदमी पर नजर रख रही थी। किसको बताया मेरे बारे में? बोल। मैंने किसी को नहीं बताया, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा निमिषा, मैं किसी निमिषा को नहीं जानता। निमिषा पर हमले करवाए थे, मैं ही उसे मरवाना चाहता था। क्यों मरवाना चाहते थे उसे? क्योंकि निमिषा को मेरे बारे में पता चल गया था। क्या पता चल गया? यही कि मैं एक सरकारी एजेंट हूँ और देश की खुफिया जानकारी पैसों के लिए अपराधियों को बेचता था। इसी डर से कि
कहीं निमिषा किसी को बता ना दे। और इसी डर को दूर करने के लिए तुमने निमिषा की सुपारी के गैंग को दे डाली। हाँ, मगर निमिषा को इस बात का भी पता चल गया और उसने अपना झूठा एक्सीडेंट करवाया। और तुम्हें कहीं से पता चला कि निमिषा जिंदा है? हाँ सर, एक दिन मुझे पता चला कि कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट हैक कर रहा है तो मुझे शक हो गया कि निमिषा मरी नहीं जिंदा है, क्योंकि वही ऐसा कर सकती है। और इसीलिए उसे बाहर निकालने के लिए मैंने उसके परिवार पर हमले करवाए। पैसों के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया मिस्टर राघव। देश की खुफिया जानकारी तुमने अपराधियों को बेची। डॉक्टर तिग्मांशु और उस मॉल के सिक्योरिटी गार्ड का खून करवा दिया। तुम सिर्फ खून ही नहीं, देशद्रोही भी। तुम्हें तो सिर्फ फांसी होगी। मिस्टर प्रेम, अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं, आप जाके मिल सकते हैं। दीदी, मानव। निमिषा, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? काश तुमने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता। तुम्हारे बिना इतने सालों से मैं कहाँ जी रहा था। मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं था प्रेम। इतने साल आप लोगों के पास होते हुए भी मैं आपसे दूर रही, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपकी और बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़े। अब मैं स्कूल में सबको बड़े गर्व से कहूंगी कि मेरी मम्मा एक अंडरकवर एजेंट है, बिल्कुल सीआईडी की तरह। सच में बच्चों, आपकी माँ वाकई बहुत बहादुर है। नहीं नहीं सर, मेरे लिए तो हमेशा से आप लोग ही आदर्श रहे हैं। किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? आप लोगों ने मेरे परिवार को बचा लिया है। ये क्या कह रही हैं? हमने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। मैं तो आपसे दो तीन टिप्स लेना चाहता हूँ। टिप्स? कैसी टिप्स? यही कि आप इतने साल अंडरकवर कैसे रही। आई मीन आप मिसेस निमिषा नहीं, लेडी जेम्स बॉन्ड कहूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।